हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं हूं आपकी एजुकेटर निशा मित्तल जैसे कि सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक इंस्ट्रक्शन मैंने यहां पे मेंशन की हुई है तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोटेशन की इंस्ट्रक्शंस को ठीक है रोटेशंस के ऊपर कई इंस्ट्रक्शंस है जिनमें कन्फ्यूजन्स सी रहती है वो डिस्कस करेंगे ठीक है स्टार्ट करते हैं सेशन फर्स्टली मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवा दूं तो मैं हूं आपकी एजुकेटर निशा और आपको टीच कर रही हूं अन अकेडमी के थ्रू एन डी ए यू जी सी नेट कंप्यूटर साइंस के लिए दिस इज़ माई प्रोफाइल ऑन अन अकेडमी आई एम गोइंग टू शो यू दिस इज़ माई प्रोफाइल ठीक है तो यू कैन जॉइन मी ओवर दियर ऑल्सो बाई यूजिंग माई रेफरल कोड निशा एम एंड निशा लाइव और कोई भी रेफरल कोड आप यूज़ कर सकते हैं स्पेशल क्लासेस होती हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं साथ में प्लस कोर्सेज हैं जो कि पेड हैं जिसके नॉमिनल से चार्जेज है वन ईयर की डिस्काउंटेड फीस निशा एम रेफरल कोड के बाद थर्टीन थाउजेंड है यू कैन गो फॉर दिस एंड साथ में अगर आप ये सब्सक्रिप्शन चूज कर रहे हो ट्वेंटी नाइन्थ नवम्बर थर्टीथ नवम्बर या फिर फर्स्ट दिसंबर को तो आपको वहाँ पे वन ईयर की सब्सक्रिप्शन के साथ टू मंथ की सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगी अन अकेडमी की तरफ से अगर आप सिक्स मंथ की सब्सक्रिप्शन लेते हो उसके साथ वन मंथ की सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगी कई बार स्टूडेंट्स क्या है मैसेज करते हैं कि मैम वी वॉन्ट टू जॉइन दीज क्लासेज बट वी आर नॉट श्योर कि स्टडी कैसी होती है ठीक है तो इनिशली इवन आप वन मंथ की सब्सक्रिप्शन लेकर चेक कर सकते हैं कि स्टडी कैसी होती है यू विल केम टू नो अबाउट दैट इन दैट मंथ ऑल्सो तो वन मंथ की सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप सेम निशा एम रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको जस्ट टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टेन रुपीज़ पे करने हैं डेली सिक्स थर्टी ए एम फोर थर्टी पी एम क्लासेज आपकी चल रही हैं अपार्ट फ्रॉम दैट इन टूडेज डिस्कशन अब वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रोटेशन रोटेशन की इंस्ट्रक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो इसमें सबसे पहली इंस्ट्रक्शन हमारे पास है आर ओ आर फुल फॉर्म सुन लीजिए रोटेट राइट विदाउट कैरी इसमें कैरी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है आर ओ आर में कैरी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो कैरी इज गोइंग टू रिमेन सेम ठीक है कैरी हमारा सेम रहेगा जैसे पहले है कैरी की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है आर ओ आर में तो इसमें क्या होगा मोस्ट सिग्निक जैसे मान लो ये नंबर है मेरे पास सिंपल सी बात करूंगी ठीक है रोटेट करना है इसको राइट हैंड साइड को दिस इज राइट हैंड साइड दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड कैरी फ्लैग इज़ गोइंग टू रिमेन सेम बिकॉज विदाउट कैरी है कैरी इन्वॉल्व करना नहीं तो ये मेरी बिट जो है राइट right को रोटेट अगर करनी है तो सिंपल सी बात है वो इधर को आ जाएगी तो आफ्टर रोटेशन ये हमारा सल्यूशन बनेगा दिस इज़ दी आफ्टर रोटेशन ठीक है तो रोटेट राइट विदाउट कैरी अगर पहले कैरी फ्लैग हमारा जीरो था तो आफ्टर रोटेशन ऑल्सो इट विल रिमेन सेम ये चेंज नहीं होगा ठीक है तो दिस इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ आर ओ आर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव करूंगी दैट इज आर ओ एल ये है रोटेट लेफ्ट विदाउट कैरी अगेन कंसेप्ट वही है ठीक है ना विदाउट कैरी मेरे पास मैं बहुत ही छोटी सी वैल्यू ले रही हूँ तो ये आठ या दस बिट हो सकती हैं आई एम टेकिंग ओनली सिक्स सेवन मान लो एट बिट मैंने ले ली ठीक है लाइक like, यहाँ पे ठीक है तो एट बिट हम ले चुके हैं और एग्जामिनर हमसे जानना चाहता है कि यहाँ पे रोटेट अगर हम लेफ़्ट को करेंगे तो सल्यूशन बाद में क्या आएगा दिस इज़ लेफ्ट एंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड रोटेट अगर करेंगे तो आपकी ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की जो प्लेस है वो एम्प्टी हो जाएगी ठीक है तो इसके बाद मोस्ट सिग्निफिकेंट की जगह पे ज़ीरो वन डबल ज़ीरो वन डबल ज़ीरो आएगा और ये हमारा इधर लीस्ट सिग्निफिकेंट की सिचुएशन पोजीशन पे चला जाएगा सो दिस इज़ आर ओ एल रोटेट लेफ्ट विदाउट कैरी ठीक है नेक्स्ट है रोटेट राइट विद कैरी ठीक है चेक कीजिए दिस इज़ वॉट रोटेट राइट विद कैरी आर सी आर का मतलब क्या है कैरी को बीच में इन्वॉल्व करना है जैसे मान लीजिए ये मेरा डेटा है और ये मेरा कैरी फ्लैग है दैट इज़ वन आई वॉन्ट टू रोटेट राइट मैं इसको राइट एंड साइड को रोटेट करना चाहती हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा क्लियर तो कैरी फ्लैग की जगह पे अब ये वैल्यू हमारी चली जाएगी दैट इज जीरो एंड जो टॉप पे वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी तो वन जीरो राइट विद कैरी ओके दिस इज कैरी को इन्वॉल्व करना नेक्स्ट इसी तरह से आरसीएल हो जाएगा दो रोटेट लेफ्ट विद कैरी अब इसमें हमें लेफ़्ट इन्वॉल्वमेंट होनी है कैरी की मतलब कैरी को इन्वॉल्व करना है बस इतनी सी बात है ठीक है ये हो गया और कैरी फ्लैग की वैल्यू मान लीजिए जीरो है तो लेफ्ट हैंड साइड दिस पे तो इस तरह से कैरी इन्वॉल्व हो के इधर चला जाएगा सो कैरी फ्लैग की वैल्यू मेरी ऊपर चेंज हो जाएगी कैरी फ्लैग की न्यू वैल्यू मेरी वन बनी और सारी बिट हमारी शफल हो चुकी है दिस इज़ अवर फाइनल आउटपुट ठीक है ये है आर सी एल रोटेट लेफ्ट विद कैरी तो हमारे पास देयर आर सम फंक्शंस ऑफ 8086 कुछ फंक्शंस हैं इनके जैसे एस टी सी एस टी सी का मतलब होता है सेट कैरी फ्लैग वेयर कैरी फ्लैग इज इक्वल टू वन फिर क्या है सी एम सी सी एम सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग कैरी फ्लैग की अगर पहले वन है तो कॉम्प्लीमेंट के बाद ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी अगर पहले ज़ीरो है तो आफ्टर कॉम्प्लीमेंट ये वन हो जाएगी दिस इज़ सी एक बार आप रीडिंग लीजिए इन सारे ऑपरेशन के लिए चेक कीजिए आई होप रीडिंग इज़ डन बाय एवरीबडी ठीक है तो डियर स्टूडेंट जब भी हमारे पास पेपर में इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो बेसिकली वहाँ पे पहले उनका मीनिंग पता होना चाहिए सी एल डी क्लियर डायरेक्शन फ्लैग एस टी आई सेट इंटरप्ट फ्लैग सी एल सी कैरी फ्लैग को क्लियर करना ठीक है तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है सिर्फ किसके लिए मोस्टली कैरी फ्लैग के लिए पहली दो एंड लास्ट की एक इंस्ट्रक्शन जी ये कैरी फ्लैग की है ठीक है एक दो तीन अकेले कैरी फ्लैग की है अगर हम सभी की बात करें तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस फ्लैग से रिलेटेड है अलग अलग तरह के फ्लैग होते हैं ठीक है कंडीशनल फ्लैग्स है? होते हैं कंट्रोल फ्लैग्स होते हैं ये कंसेप्ट है अब हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चंस भी आ जाएंगे जिनमें ये सारी इंस्ट्रक्शंस यूज़ होंगी जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई है मूव है ठीक है ये इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे यूज़ होंगी वी विल डिस्कस ऑल दीज कन्सेप्ट इन डिटेल आल्सो एंड ऑलरेडी मैं दो तीन वीडियोस पोस्ट कर चुकी हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे रही हूँ प्रीवियस वीडियोज़ का तो मैं चाहूँगी कि जब भी आपको ये वीडियो मिले या फिर आप लाइव देखें तो आप उन वीडियोज़ के लिंक के ऊपर क्लिक करके उनको डेफ़िनेटली कवर कीजिए ठीक है तो यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दोज वीडियोज़ डेफिनेटली यू विल लर्न ठीक है और आ, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में टाइम से ठीक है इन वीडियोस को कंप्लीट कीजिए कमेंट सेक्शन में डन का मैसेज ज़रूर पोस्ट कीजिए थैंक्स अलॉट